Yes, so very good morning all of you. I'm Pooja Sharma, your science teacher, and welcome to our online classes. And today we will continue our chapter number one. Okay, so we have discussed about many things in this chapter. First we learn about growing plants and then we discuss about agriculture. Okay, and what we learn in this lesson, humne is chapter mein kya kya learn kiya? We have discussed about structure of seed ke bare mein humne padha. Then we discuss about the germination of seed, how a seed grow into a plant, and after we discuss seed dispersal. There are different methods of seed dispersal, hai na? Wind ke through, air ke through, water ke through, okay? Animals ke through ya explosion ke through, jo seed dispersal hai wo ho sakta hai, okay? Seed dispersal means jo seed hai wo mother plant se far away jaakar kya hota hai, scattered hota hai, okay? Then जो प्लांट्स हैं वो सीड से ग्रो करते हैं. उसके अलावा प्लांट के कौन कौन से पार्ट से सीड ग्रो कर प्लांट ग्रो करता है. ओके, लाइक स्टेम से भी हम न्यू प्लांट ग्रो करवा सकते हैं. इसी तरह फ्रॉम रूट्स है, लीफ से भी हमने देखा ब्रायोफिलम लीफ से न्यू जो ब्रायोफिलम प्लांट है वो ग्रो कर सकता है. एंड स्पोर्स के थ्रू भी हम न्यू प्लांट ग्रो करवा सकते हैं. उसके बाद हमने एग्रीकल्चर एंड इसकी जो डिफरेंट स्टेजेस थी उसके बारे में डिस्कस किया था. ओके, सो स्ट्रक्चर ऑफ सीड में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट पार्ट्स हैं सीड के. लाइक सीड कोट है जिस जो कि जो बेबी है सीड के इनसाइड उसे क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है. ओके, एंड सीड में एक एम्ब्रियो होता है जो कि बाद में किसमें कन्वर्ट होता है, प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है. ओके, ग्रो इनटू अ बेबी प्लांट. ओके, एंड वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट सीड होल. सीड होल के बारे में डिस्कस किया जो कि वॉटर को अलाउ करता है सीड में एंटर करने के लिए. एंड ऑल्सो डिस्कस अबाउट कोटिलीडन्स. ओके, एंड कोटिलीडन्स स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट. बेबी प्लांट के लिए फूड को स्टोर करता है. ओके, कोटिलीडन्स. एंड अगर सीड में टू कोटिलीडन्स है इट मीन्स इट्स डाइकॉट सीड, एंड वन कोटिलीडन है इट मीन्स इट मोनोकॉट सीड. क्लियर. देन हमने डिस्कस किया था सीड जर्मिनेशन, एंड द जर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ सीड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. ओके, सीड ग्रोथ करते हुए किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक प्लांट में कन्वर्ट हो रहा है, उसे ही हम इस प्रोसेस को हम सीड जर्मिनेशन कहते हैं. एंड इससे रिलेटेड हमने एक एनिमेटेड वीडियो भी देखा था जिससे कि आपको क्लियर हुआ था कि कैसे जो एक सीड है वो जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स है. ओके, मीन्स उसे राइट अमाउंट में एयर वाटर एंड वार्म्थ का रिक्वायरमेंट रहता है. सीड क्वालिटी गुड होनी चाहिए. तो इस तरह से ये सारी जो भी उसकी कंडीशंस हैं सीड को ग्रोथ के लिए जो भी उसकी रिक्वायर्ड कंडीशंस है वो फुलफिल होते ही जो सीड है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन कहते हैं. क्लियर. देन हमने सीड डिस्पर्सल डिस्कस किया था. एंड सीड डिस्पर्सल क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर जो सीड है वो मदर प्लांट के पास में ही फॉल डाउन होंगे तो क्या होगा, उन्हें प्रॉपर स्पेस है, एयर लाइट वाटर ये जो भी कंडीशंस रिक्वायर्ड है प्लांट की ग्रोथ के लिए वो उन्हें प्रॉपर नहीं मिल पाती. ओके, इसकी वजह से वो बहुत सारे सीड्स क्या हो जाते हैं, डाई हो जाते हैं, ग्रोथ नहीं कर पाते. ओके, सो इसलिए स्कैटरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि जो वो सीड है वो मदर प्लांट से दूर जाकर ग्रो करे एंड वहां पर उसे ग्रोथ के लिए प्रॉपर स्पेस मिले, एयर एंड वाटर जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है वो सब फुलफिल हो. क्लियर. देन हमने यहाँ पर विंड एक्सप्लोजन एनिमल एंड वाटर के थ्रू सीड का डिस्पर्सल चैप्टर में डिस्कस किया था. ओके, देन हमने स्टेम के थ्रू हम प्लांट कैसे ग्रो करवा सकते हैं. ओके, स्टेम की कटिंग को लेते हुए जब हम उसे सॉइल में प्लांट करेंगे तो न्यू प्लांट ग्रो करवा सकते हैं. देन रूट्स को भी अगर हम प्लांट से सेपरेट करके उसके पार्ट को पानी में डिप करके उसे प्रॉपर वाटर एंड सनलाइट अगर प्रोवाइड करवाते हैं तो उसमें से जो रूट्स न्यू स्प्राउट्स हैं वो ग्रो करने लगते हैं. ओके, जिससे कि न्यू प्लांट हम ग्रोथ करवा सकते हैं. इसी तरह हम ब्रायोफिलम प्लांट की जो लीव्स हैं उसके भी जो नोचेस हैं मार्जिन पर जो नोचेस प्रेजेंट होते हैं उससे भी जो बड है वहां पर वो डेवलप हो जाती है. एंड जैसे ही ये लीफ फॉल डाउन होती है तो ये जो प्लांटलिंग है छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं ये उस लीफ से सेपरेट हो जाते हैं और न्यू ब्रायोफिलम प्लांट बना सकते हैं. ओके, देन हमने एग्रीकल्चर के डिफरेंट स्टेजेस डिस्कस किए थे इस चैप्टर में. लाइक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कैसे हम सीड को सो करने से पहले सॉइल को हमें प्रिपेयर करना होता है, लूजन करना होता है. ओके, देन सीड सोइंग की थी हमने. After seed sowing, adding manuring and fertilizers. Okay, manure हम सो डालते हैं फार्म में because manure क्या होते हैं, manure होते हैं जो भी animals हैं जैसे कि cows हैं तो हम cow dung को as a manure use कर सकते हैं animal waste को. okay, जिससे क्या होता है जो soil है वो nutrient rich होती है, soil में जो nutrient का amount है वो increase होता है because plant को भी growth के लिए nutrients की requirement रहती है. इसी तरह से हम उसमें chemical और natural substances add कर सकते हैं जिन्हें हम fertilizers कहते हैं जो कि soil की fertility को increase करते हैं. okay, then in the initiation process we supply to
water to an area of land through pipe or channels that so that the crop will grow. Okay, हम water provide करवाते हैं. Then हम उसे weeding means क्या होता है, जो जो भी हमने crop grow किया field में उसके आसपास unwanted जो plant है वो growth कर जाते हैं. Okay, and ये जो unwanted plants होते हैं ये क्या करते हैं, हमारी जो crop है उसे affect करते हैं, उसकी growth को affect करते हैं. इसलिए हमें time to time weeding भी करनी है. इस तरह के जो extra plant grow हो गए हैं हमारी crop के आसपास उसे हमें क्या करना है, remove करना है. Okay, देन हम उस पर केमिकल्स पेस्टिसाइड जो है वो स्प्रे कर सकते हैं ताकि हम उसे पैथ से प्रोटेक्ट कर सके हमारी क्रॉप. ओके, देन वी डू हार्वेस्टिंग एंड हार्वेस्टिंग मींस टू कट एंड गैदर द क्रॉप. ओके, क्रॉप को कट किया जाता है, गैदर किया जाता है. ओके, देन उस क्रॉप में से जो भी ग्रेन्स है उसे सेपरेट आउट करके स्टोर किया जाता है. ओके, देन प्रोटेक्टिंग ऑफ क्रॉप्स, हमने क्रॉप को प्रोटेक्टिंग के मेथड डिस्कस किए थे जिसमें हम जो काओ या एनिमल बिग फेलोज जो बिग एनिमल्स हैं उनसे हम फेंसिंग लगाकर हमारे फील्ड के चारों तरफ प्रोटेक्ट कर सकते हैं. बर्ड्स से प्रोटेक्शन के लिए हम स्केयर क्रो का यूज कर सकते हैं. ओके, इस तरह से हमने प्रोटेक्टिंग ऑफ क्रॉप भी डिस्कस किया था. ओके, सो नाउ वी हैव डिस्कस्ड क्वेश्चन आंसर रिलेटेड टू दिस चैप्टर. So first question is check the correct answer. Seeds are present inside. Seed कहाँ present होते हैं, inside the fruit. Okay, so correct answer is fruit. Second one is during germination the seedling gets food from. So correct answer is cotyledons. Okay, cotyledons जो है food store करके रखते हैं and germination के during जो seedling है वो food कहाँ से get करता है, cotyledons से. Now third one is maple and cotton seed are dispersed by wind. Which of the following seed is dispersed by water? So our correct answer is coconut. And which part of a bryophyllum plant give rise to a new plant? And our correct answer is leaf. Okay, जो bryophyllum plant है वो leaf से ही जो new plant है वो grow करता है. Clear? Now next is dictation word related to chapter. First one is breathing, then seed, cotyledons, embryo, germination, dispersal. Next one is spores, agriculture, kharif, rabi, scattered and seedling. Okay, here this is some word that related to your chapter. Now next is fill in the blank. First question is plants are living things. Question number second is a seedling gets water and mineral from soil through roots. Okay, जो seedling है वो water and mineral कहाँ से get करता है, soil से through roots. Okay, जो roots हैं वो water and mineral को absorb करने का work करती हैं. Third one is maple seed have wing like structure. Okay, जो maple seed है उनमें wing like structure होती है and जो इनका dispersal है वो wind के through हो सकता है. Now next one is lotus plant has a spongy light fruit which can float on water. Lotus plant का जो fruit है वो बहुत ही spongy होता है. Light means उसका जो weight है वो बहुत ही कम होता है जिससे वो easily water पर float कर सकता है. Next fifth question is cotton grows well in black soil. जो cotton crop है वो उसका growth अच्छा किस तरह की soil में होता है, black soil में. Now question number four is true and false. First question is plants are non-living things. So this statement is false because plants are living things. Second question is seeds are present inside flowers. So this statement is false because seeds are present inside fruits. Next question third is roots absorb water and mineral from soil. So this statement is true. Question number four is outer covering of a seed is called seed leaf. Okay, so this statement is false because outer covering को हम क्या कहते हैं, seed coat. Clear? Now coconut and lotus seeds are dispersed by wind. So this statement is also false because coconut and जो lotus seeds हैं वो water के through उनका dispersal होता है. Clear? Question number five is write one word for the following. First question is who give us oxygen for breathing? हमें breathing के लिए oxygen कहाँ से मिलता है? So correct answer is plants. Plants हमें breathing के लिए oxygen provide करवाते हैं. Okay, and जो हम carbon dioxide exhale करते हैं, बाहर निकालते हैं. Okay, तो हमारे respiration के through तो वो जो carbon dioxide है उसका use plant करते हैं अपने photosynthesis के process में, food making जो process है उसमें. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर प्रेजेंट इनसाइड फ्रूट्स, फ्रूट के इनसाइड क्या प्रेजेंट होते हैं, सो करेक्ट आंसर इज सीड्स. नेक्स्ट वन इज व्हिच टाइप ऑफ सॉइल वी यूज टू ग्रो कॉटन प्लांट, सो करेक्ट आंसर इज ब्लैक सॉइल. बाय व्हिच प्रोसेस सीड्स आर स्कैटर्ड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट,
करेक्ट आंसर इज सीड डिस्पर्सल. ओके, सीड डिस्पर्सल मेथड के थ्रू जो सीड्स हैं वो मदर प्लांट से दूर क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं. नेक्स्ट फिफ्थ वन इज विच पार्ट ऑफ सीड स्टोर फूड फॉर एम्ब्रियो. सो करेक्ट आंसर इज कॉटिलीडंस. नाउ नेम दैम. केमिकल सब्सटेंसेज एडेड टू द सॉइल टू इंक्रीज इज फर्टिलिटी आर कॉल्ड. ऐसे केमिकल सब्सटेंसेज जो हम सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए एड करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर्स. The part of a seed that protect the baby plant inside a seed is called seed coat. Question number third is plants like ferns grow from spores. Fourth question is seeds which have one cotyledons are known as monocot seed. ऐसे seed जिनमें one cotyledon होता है उन्हें हम monocot seed कहते हैं. And next question number fifth is the process by which a seed grows into a new plant is called जर्मिनेशन. ओके, सीड न्यू प्लांट में ग्रो करता है उस प्रोसेस को हम जर्मिनेशन कहते हैं. नाउ नेम द फॉलोइंग टू प्लांट्स दैट आर ग्रोन फ्रॉम रूट्स दैट इज स्वीट पोटैटो एंड डेलिया प्लांट. टू एग्जांपल्स ऑफ खरीफ क्रॉप्स दैट इज राइस एंड बीज. क्वेश्चन नंबर थर्ड टू प्लांट्स दैट आर ग्रोन फ्रॉम स्टेम्स. करेक्ट आंसर इज पोटैटो एंड शुगर केन. Two seeds that are dispersed by animals, dhatura and tiger claw, because इनमें जो hooks हैं, okay, वो present होते हैं, जिसकी वजह से animals के through dispersed हो सकते हैं. Two seeds that are dispersed by explosion, that is ladyfinger and pea. Now, next question number 8, that is define. So, what is germination? So the process by which a seed grows into a new plant is called germination. Second one is cotyledons, part of a seed that store food for the baby plant are called cotyledons. Third one is agriculture. So agriculture is the practice of growing crop on a large scale in a particular area during a particular season are called crops. And next one is irrigation, to supply water to an area of land through pipes or channels so that crops grow well. Now, next one is differentiate between, right, differences between monocot seed and dicot seed. So, what are monocot seeds? Some seeds have one cotyledons, so they are called monocot seed, and some seeds have two cotyledons, so they are called dicot seed. An example of monocot seeds are maize and wheat. An example of dicot seeds are peanut and almond. Now, next question number 10 is answer the following questions. First question is what is germination? So the process by which a seed grows into a new plant is called germination. Second question is what is seed dispersal? So the process by which seeds are scattered away from the mother plant is called seed dispersal. Third one is what is the difference between kharif and rabi crops? So kharif crops are grown from June to October are called kharif crop, and crops grown from November to April are called rabi crops. How do animals help in seed dispersal? So humans being and other animals eat fruits and threw away their seed resulting as their dispersal. Okay, human beings and जो other animals हैं वो fruit eat करते हैं और उनके seed को chew कर देते हैं, तो इस तरह से seed का dispersal हो सकता है animals के through. And some seed like dhatura and tiger claw have spine and hooks. So these seeds stick to the bodies of animal and carry away. ये जो seeds हैं animal की body से stick हो जाते हैं, ये mother plant से away वो कैरी कर सकते हैं एनिमल्स में. एंड सम एनिमल्स ईट फ्रूट्स एंड द अनडाइजेस्टेड सीड्स पास थ्रू देयर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड आर डिस्पर्स. क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ आर कॉटन एंड मैपल सीड्स डिस्पर्स. कॉटन एंड मैपल सीड कैसे डिस्पर्स होते हैं? सो मैपल सीड हैव विंग लाइक स्ट्रक्चर एंड कॉटन सीड हैव फाइन हेयर्स लाइक फाइबर. दीज सीड्स आर इजीली कैरीड अवे बाय विंड. Question number 6 is explain the structure of a seed with the help of a well-labeled diagram. So seeds are present inside fruits and new plants grow from seeds. And each seed contains seed coat and outer covering which protect the baby plant inside. Seed hole which allow water to enter the seed. Third part is cotyledons which store food for the baby plant. And fourth one is embryo which grow into a baby plant.
and here is the structure of seed, and these are the part of seed: seed coat, seed hole, cotyledons, and embryo. Now, next question is, what is the importance of seed dispersal? So, seed dispersal is important that seeds are scattered over a wide area so that each seedling get enough sunlight, air, water, and space to grow. Question number 8 is, what is agriculture, and write the different stages of agriculture. So, agriculture is the practice of growing plant on a large scale for food and other purposes. जैसे हम food के लिए भी large scale पर grow करवा सकते हैं, other purposes के लिए भी हम जो plants हैं उन्हें grow करवाते हैं. Various stages of agriculture are plugging, manuring, sowing seed, irrigation, spraying pesticides, and harvesting. So here our chapter number 1st is complete. I hope you all understood about this chapter. So our next chapter, we will continue in our next class. Thank you very much.